है भाई सबने, आज है 16 जुलाई। तो मैं बेबे बस उठी हूँ और फिर आज क्या क्या करेंगे बताते हैं थोड़ी देर में। मैं नहा के मिलती हूँ। ओके बाय। तो मैं नहा ली हूँ फटाफट। मैं पहला जोत लगा दूँ फिर मिलूँ, क्योंकि छुट्टी वाले दिन जोत लगाने में वारे हो जाओ। आज मैंने वार हो रही है, फिर इनका खाना पीना बनाना है। तो पहले मैं फटाफट जोत लगा देती हूँ। अपना जूस पीवेंगे स्वामी के बदौलत। तो भाई मेरे सारे काम हो चुके हैं डन। मैं नहा ली, मैंने जोत लगा दी और स्वामी अपना शेक बनावे। मेरी बेबे अपने काम पे जा ली, उसका सैटरडे संडे ने भी काम हुआ है। और इसने देख लो यो मैंने लगा रखा है मेथी चूटन पे, क्योंकि ये मेथी की रोटी खाएगा। और जो मेथी मतलब वो आदमी तोड़ा करे घर में जो सबसे ज्यादा ठाली हो, सबसे ज्यादा ठाली ही हो अगर मैं तो मैंने इस दे दी मेथी तोड़न दी। है ना टोनी, सही कर रहा। अपने हाथ तक काम कर कराची नहीं, ब्लॉग में दिखा तुमने कि ब्लॉगों में दिखता है बस कि मैं काम करती हूँ, वरना तो यही करता है सारा काम। हाँ, अब पता लगेगा कि कौन काम करता है कौन नहीं। है ना टोनी, मिनी ब्लॉगों में तो लोगों को पागल बना दिया, लेकिन अब पता लगेगा। है ठीक है, देखते अब कितना पता लगता है। आगे तक खाऊगा मेथी की रोटी, फिर कितने जन्म में छुट्टा इन्हें पूरा का पूरा होता है। तो नहीं जब रैप कर दिया, अगर टाइम मिला तो कि नहीं तो आगे कर लेंगे। चलो कर लेंगे, मतलब कि कर दियो दियो कर दियो। क्यों भाई पहलवान एक ब्रांड का आदमी है, अंडर आर्मर की चप्पल, अंडर आर्मर का कच्चा, अंडर आर्मर की टी शर्ट, एक ब्रांड चलता है। हम जाट आगे जाट ब्रांड है। घर ते केले जावे बस शायद लेके आऊंगे, बस शायद लेने जावे हैं। आती आना देखियो के लेके आओगे लेन, बस शायद जावे। अगर बस शायद लेके आगे ना हम तो रिकॉर्ड टूट जाओगे। मैं ग्रीनरी है ना कुकु, ग्रीन का फायदा की ग्रीनरी का सारी बेरान जाएगी। क्यों ये? इतना मक्का बो रखे इन डांगर तो शायद नहीं खाओगा कौन इन। सही बात है यार, भैंस तो है नहीं, अड़े की अड़े चरती पाव सारा खा जाती। जब तो अड़े ना कि भैंस थी। यो भाई खीरा यो खीरा अड़ेगा अपने इंडिया वाले देसी भी हैं, इनका देसी खीरे ना अड़े इंडिया में ना मिलती भी अड़े मिल रहे हैं भी 95 सेंट का निकल ले लो या नहीं मिली थी कल फ्रेश को घनी भार है पर क्या था ना भाई एक चीज लेना आए हैं, रिकॉर्ड है रिकॉर्ड कि एक चीज तो लेवे नहीं, एक चीज लेना है। देख लो शामी देखो भाई सारे सेब के बाग है, परी बस सेब हो ही ना नुर्रे सेब के बाग है पीछे भी और परेन भी सेबे सेब हो जाऊंगे थोड़े दिन में। खुशबू आंटी उठ रहे पर टमाटर के ना बढ़िया ना वीडियो के भी देख दस कथिया फिर के दिखाऊं तेरी टांग दिखाऊं व्लॉग में बिना वाड़े हो गए भी। यो भाई गिफ्ट आज हमने मेरी बाण के घर जाना, मेरी बाण की जेठानी की छोरी का जन्मदिन है तो उसकी गिफ्ट ला रहे इबियो बैठ के इसने रैप करेगा मन ना मेरा या जो है इसमें ही करना है पूरा पैक, नहीं तो तने बताऊंगी फिर। एक तो बनाऊंगी मेथी की रोटी, मेरे देवर ने मेथी तो तोड़ दी थी चूट दी थी मतलब, वरने तो भाई खाली मेथी की रोटी आम के साथ और घी के साथ रायते के साथ। पर स्वामी ड्रामेबाज आदमी है भाई, ड्रामेबाज आदमी है स्वामी। स्वामी थी देखो क्या था कि चूरमा खाऊंगा, दही भी रेडी धरी थी और आम भी कटा धरा है, फिर नु बोला मैं तो दाल भी खाऊंगा तो इब दाल भी बन रही है और दाल और चूरमा और आम और दही खाऊंगा। ये देखो भाई वो कड़छी तो थी नहीं तो यार ये कड़छी मारी ये देसी जी मास्टर शेफ कपिल भोरिया ने फूक दिया था अभी हमें। कुकु पर मुझे लग रही है शकल से कि बढ़िया बनी है दाल जैसी, क्या बोलते हो राज आदमी की डाइट देख लो भाई, ये पहलवान की डाइट एक लेकी मेरा कुछ नहीं है इसमें 1% भी ना उसका बेचारे का।
बनाने में भी एक ले गए भाई बता दे। हमने तो बेचारा दो मेथी की रोटी खा के हम तो नू पड़े कुर्सी पे डू। और पहलवान ने देखो बनाने की भी एक ले गई है। मैंने पूरी हेल्प करी, झूठ मत बोला करो। क्या मैं खड़े हूं मैं? पेट में तो भाई हमने भी खा लिया दादा, क्योंकि मारी नीत डिग्री है पर नाम पहलवान का, पर मारी नीत ऐसी है भाई। हम पहला कह दिया अगर हम नहीं खावे पर हम बाद में खाया जरूर करें। मैं अपना पिटारा खोल के दुनिया का सब तक मुश्किल काम लेके बैठी हूँ कि मैं कौन सा सूट पहन के जाऊंगी। यो नहीं डिसाइड होता भाई मेरे पे, यार पहलवान से हो गया कि मैं उससे पूछूं। देखते हैं हम लोग ही देखेंगे क्या पहने। आओ ये रेड वाला सूट सोच रही थी मैं, पर फिर वो मेरी सासू ने बेचा तो मैं सोचूं कि करवा चौथ पर पहनूं, पर फिर ये मगर मैं हटा दूं। करवा चौथ पर पहनते मेरे पास तीन चार ऑप्शन है तो मैं समझ नहीं पा रही। मैं सोच रही कि ये काले वाला सूट पहनूं, हालांकि थोड़े दिन पहले मैंने पहना था पर मुझे अच्छा लगता है। ये तो बिल्कुल मायके में रखा था, करवा चौथ या दिवाली पे खोल लेंगे तो मैंने पहन रखी है। यहाँ से देखते हैं गेज गेज की कौन सी, ये भी पहन सकती पर ये ज़्यादा तो नहीं रहेगा। मेरा तो काले वाला पैर का जी कर रहा है, जो सी बात है ना साफ से। मैं सोच रही हूँ वो एक काले वाला पैर लूँ। मैंने लाल वाला सूट पहन लिया लेकिन मैं पहलवान ने देख लिया रही हूँ मेरे तेन को कि थोड़े दिन पहले ही तो यू है ना पहन रही थी तो दूसरा पैर जैसे वो डराएंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं है बटे हो गए कहीं तबार नहीं भाई, दूसरा पैर के दिखाऊंगे। भाई तो स्वामी के ऑर्डर पर मैंने वो लाल वाला सूट पहन लिया। स्वामी को कि जब करवा चौथ आओगा जब देखेंगे जब ती दूसरा मंगवा देंगे, पहला तो तू अपना पैर ठीक है, पहला तो मैंने इसलिए आज लाल वाला पहन लिया। वैसे मेरे पास है करवा चौथ के और भी तीन चार ऑप्शन बट तो अब करते तैयार होना फटाफट शुरू क्योंकि मैंने वार हो चुकी है। और वार ना भी हो तो भी मैंने यो ही करना है जो मैं करने लग रही हूँ, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं आती मैंने। सबसे पहले बिंदी लगा लो, काट करके एक तो ये ऑप्शन है, ये मेरे सूट से मैचिंग है इस पे। और फिर एक यो मेरी सासू ने भेजा था इस बार, और फिर एक ये ऑप्शन है तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं आले पैरों के मैं भी सोचूँ यहीं पैरे रहने मन नहीं देखेंगे सारे, क्या बोलते हो ये पहन लूँ छोटे बाद में देखेंगे कानकुना ने। तो भाई मेकअप का फर्स्ट और लास्ट रूल है तुमने ना तो कभी मेकअप नहीं आवे, पहली बार थर दूर समान होना चाहिए यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वैसे तो मैं कुछ नहीं करा करती, लिपस्टिक लगा लिया लिप ग्लॉस लगा लिया दैट्स इट गुड टू गो। लेकिन चलो आज थोड़ा सा यो मेरे पास ये मेबलिन वाला हाईलाइटर है टूट भी गया बेचारा क्योंकि मैं कभी यूज ही नहीं करती, तो थोड़ा सा नू उंगली पे लेकर थोड़ा सा नू दीदा बंद करके यार अपने दीदे के ऊपर लगा लो और फिर इसने फैला लो ऐसे करके, ऐसे लगेगा वाह भाई वाह। क्योंकि जैसे ऐसे किसी से बात करोगे तो ऐसे ऐसे करके बात करना पूरे रिफल के दूसरी आंख पे भी। आईलाइनर रूलर में लगा लिया करूँ, मस्कारा भी लगा लिया करूँ पर आज नहीं लगाती मैं क्योंकि आज के जब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हुआ ना जब ये लगाऊं मैं कदे, क्योंकि नहीं तो फिर ना घर आकर मैं तारनी भी तो पड़े हैं, इतनी मेहनत मेरे पे नहीं होती। फिर पहला उन्हें लगाओ एक जैसी मिलाओ फिर उन्हें तारो मरण दो ने। बस यही है जो है नीचे रखा इसको, अब दूसरे हाथ की उंगली लेके इसको अच्छे से वो कर लेंगे। समझ रहे हो? समझ जाया करो यार, मेरे पे इतनी बात नहीं बोली जाती। उनको अगर तेरे पे भी नहीं बोला जाता था किस पर बोला जाए। ओके डन, कुर्सी का पूछ दो हाथ। मम्मी मारेगी पर यार मम्मी नहीं है तो कोई डर नहीं है। फिर मेरे पास दो ऑप्शन है लिपस्टिक के, या तो मैं ये लगाऊँ। अरे ये तो वो बोली आ गई रेड वाली तो आई नहीं, छोड़ो फिर देखिए बैग में पड़ी होगी दूसरी परी कौन काटेगा। या भी भाई बिल्कुल नई की नहीं है क्योंकि मैं कभी लगाती तो हूँ नहीं, ले ले आऊँ चीज़। तो फिर इसमें पहला ये पैकिंग पढ़ते हैं। हे भगवान ऐसा की हो गया, लगाने तो बना रखी हो गया, बार में बार ना नू अगर इब तो भाई वो भी नहीं, मैंने यूट्यूब की वीडियो है नॉर्मल कैमरे में बनानी पड़े, नॉर्मल कैमरे फ्रंट वाले तो बनाऊँ मैं, तो फिर इसमें ना कोई फिल्टर ना कुछ और के मैं थारती कह देती ये देखो मैं तैयार हूँ तो कुछ नहीं नॉर्मल थोड़ा भी होना पड़ा ना तो मेरी व्लॉग्स में तो स्नैपचैट का फिल्टर लगा के मैं तैयार हो गई। ये जिसने हमें छोड़ कर आने थे ना
वो घर आए नहीं, तो फिर तब तक आ रहा है 5 मिनट ध्यान था। यो अगर दिद्दे में लग गया ना मेरा तब ना पाट जाओगा मेकअप करने का, इसीलिए ध्यान था। बस नीचे वाली पे नहीं लगाना, क्योंकि नीचे वाली पे लगाने जाओगे ये अड़ लग जाओगा, फिर पूरा मुंह काला हो जाओगा, तो कोई फायदा नहीं है। जितने कम डोंडरे करे उतने ज्यादा सुखी जीवन, जितने ज्यादा करेंगे तीसी तीसी होते जाओगे। अपनी लिपस्टिक ना भाई, अपने गेला लेके जानी है। भाई क्यों कहूँ, भाई तो तुम लगाते ही नहीं। अपनी लिपस्टिक ना बेबे, अपने गेला लेके जानी है, क्योंकि वहाँ कुछ सूडो पूड़ोगे तो फिर सारे उतर जाओगे, बुंदी लगेगी, इसलिए जैसे कुछ खाओ टन टन टन, जैसे कुछ खाओ टन टन टन। दिखाऊं कैमरा से क्या लेके आई पहले बारी में, मैं भी दे दूं, मैं दे दूं, देख पे देख लगी दे। दिखाऊं मैं क्या लेके आई, कौन है किट्टू की फेवरेट मासी, कौन है निक्की की आरती, निक्की जी क्या ले जी क्या आशु कुछ काम है कराऊं के आशु है? काम है, रहन दे कर ले फिर। और भी चाहिए क्या? एक लाऊं, सब्जी ले आऊं, और एक पनीर का टुकड़ा, रोटी 5 मुस्कान लाने एक प्लेट ला। अरे इससे ना रिफिल कर ले आ, जी डॉक्टर देखो इसकी डाइट देखो, डबल फ्लोर गाजर पक ले रही है। कौन बैठे आपने पंखा पर रेंज ला रखा है? ये भूख रही मोनिका दीदी, आप अंदर तो कह रहे थे मुझे भूख सी नहीं है, देखो बाहर आते आते आपको भूख सी लगी। देखो एक रोटी और 4 भिंडी नहीं, अंदर से तो आपको एक रोटी की भूख नहीं थी, आपने अभी अभी खाते थे गिलास में सलाद ये हाथ में भी लेकर बैठे हैं, ये लेट खाना स्टार्ट करने के साइड इफेक्ट है, ये हाथ में ले केले लिए वो गिलास बम बम क्यों बेइज्जती करा रही हो बाहर आके। चलो बाय दीदी, बहुत मजा आया, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय मजे वाले के, बाय तेरे वाले के भी मिलेंगे, बाय बाय मौसी, फिर मिलेंगे आते हैं नेक्स्ट हफ्ते, जब बुलाओ तेरा जीकरा ले जाओ, जीकरा बाय ले जाऊं मैं एक दिन, ठीक है चलो छोड़ता हूं चलो।
चलो चलो बाहर तक छोड़ गाओ गाड़ी थी। बाय दीदी, बाय बाय बाय। इफ कपड़े कपड़े बदल कर सो जाते हैं, मिल लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली ये व्लॉग जैसा भी बना डाल देती हूँ, धीरे धीरे सीख जाएंगे जुगड़ भी जो भी होगा, पर आज का व्लॉग ये था। बाय बाय।